हेलो गाइस, मैं हूं धर्मेंद्र और आज हम आपको ब्लेंडर में क्रिसमस पार्टिकल एनिमेशन, लाइट पार्टिकल एनिमेशन बनाकर बताने वाले हैं। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले इस क्यूब को यहां से डिलीट कर देते हैं और यहां पर पहले से एक ऑब्जेक्ट दिया है, मैथ्स फंक्शन। ओके, ये फंक्शन जो है आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। एडिट के सेक्शन में जाएंगे, प्रेफरेंस को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लिख सकते हैं एड एक्स्ट्रा। ओके, एड एक्स्ट्रा, यहाँ क्या लिखेंगे, एड एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पर एड एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट या फिर एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे। ओके, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट यहाँ पर टिक कर देंगे और टिक करने के बाद यहाँ पर यहाँ से सेव कर सकते हैं। ओके, तो हम जाएंगे ऐड के ऑप्शन में और यहाँ पर है मैथ्स फंक्शन एक्स वाई जेड। ओके, ऐड के ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पर देखेंगे प्रेजेंट स्नेक ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करेंगे और हम इसको जूम आउट करते हैं और इसको हम थोड़ा सा लॉन्ग करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर मैक्स का ऑप्शन है, इसको आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि हमें क्रिसमस ट्री का लाइट पार्टिकल एनिमेशन करना है तो सिंपल है। अब ये जो मैक्स यू मैक्स है इसको आप कर सकते हैं 0। ओके, और यहाँ पर जो स्टेप है उसको जैसा का वैसा रखें और यहाँ पर वी स्टेप को हम यहाँ से बढ़ा देते हैं। तो देख सकते हैं वी स्टेप बढ़ाने से क्या होता है कि जो इसका जो गोलाई है वो प्रॉपर बराबर नहीं था, वो बराबर हो गया। ओके, अब ऑब्जेक्ट में जाएंगे सीधा जैसा का वैसा और सिंपल सा, ये अभी मेस में है। ओके, ये मेस में है तो हम इसको कर्व में चेंज करेंगे। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर कर्व का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा कर्व। और अब इसमें हम जो है ये आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टी पे, इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ ज्योमेट्री का ऑप्शन है, इसका डिप्ट का वैल्यू यहाँ से बढ़ा दें आप जितना बढ़ाना चाहते हैं उतना। मैं यहाँ पर 0.16 रखना चाहता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर एक लेते हैं यू स्क्वायर। ओके, और थोड़ा मैं इसको यहाँ से स्मॉल कर देता हूँ। यू स्पेयर को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टी, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर फॉलोपैथ एनिमेशन, क्योंकि हमें एनिमेशन करना है तो हम फॉलोपैथ एनिमेशन को क्लिक करेंगे। और उसके बाद ये आइकॉन है उसको हम इसको ये जो लाइन है आप जो देख रहे हैं कर्व, इसको क्लिक कर देंगे, है ना। अभी ये आपको पता नहीं चल रहा है, आप एनिमेट पैथ करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा। तो हम जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह से फास्ट एनिमेशन हो रहा है। तो फिर से हम इस कर्व को सेलेक्ट करेंगे और नीचे देखेंगे आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं पैथ एनिमेशन, इसको आप क्लिक करेंगे तो इसकी वैलिडिटी हम बढ़ा देते हैं टू फ्रेम बढ़ा देते हैं 250। तो 250 पर एनिमेशन होगा तो स्पीड एनिमेशन स्लो एनिमेशन होगा यहाँ पर। ओके, तो ये स्लो एनिमेशन हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पर एक एनिमेशन करेंगे जैसे स्पेयर जाता हुआ दिखेगा वैसे ही जो है ये मिटता हुआ दिखेगा, ताकि जो है ये रियलिस्टिक पार्टिकल्स लग सके, जो है रियलिस्टिक लाइट पार्टिकल्स लग सके या रियलिस्टिक क्रिसमस पार्टिकल्स एनिमेशन लग सके। तो पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं एस प्रेस करके और थोड़ा छोटा कर सकते हैं और फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे जो मेन कर्व है उसको, और हम चले जाते हैं सेटिंग में और यहाँ पर सारा जो खेल है सेटिंग का है। तो यहाँ पर हम करेंगे, ध्यान से देखना, न्यू। ओके, न्यू करने के बाद जो है हम यहाँ पर लेंगे, इसको हम थोड़ा सा इधर खींचते हैं और मिक्स सेडर लेते हैं यहाँ पर। ओके, और मिक्स सेडर लेने के बाद हम यहाँ पर लेंगे ट्रांसपेरेंट BSTF। ओके, ट्रांसपेरेंट BSTF को हम सेडर के साथ कनेक्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ओके, ट्रांसपेरेंट BSTF इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उससे जो है वो मिटता हुआ दिखेगा, मतलब गायब होता हुआ दिखेगा, तो हम दिखाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर यूज़ करेंगे हम मैथ। ओके, मैथ यूज़ करेंगे और फैक के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं सेपरेट एक्स वाई जेड। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं टेक्सचर कोऑर्डिनेट। ओके, टेक्सचर कोऑर्डिनेट। ओके,
इसको हम जो है इस ऑब्जेक्ट को वेक्टर के साथ और वाई एक्सिस को वैल्यू के साथ, क्योंकि अभी आप हम आपको दिखाते हैं एग्जांपल, आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पे करेंगे तो ये एनिमेशन होता हुआ आपको दिखेगा। अभी हम आपको दिखाते हैं, तो ये यहाँ पर ऑलरेडी ये क्लियर हो गया, ये एनिमेशन ऐसा होगा जैसे इसके साथ होगा, ये जो आप देख सकते हैं जो स्पेयर है, स्पेयर के साथ जो है एनिमेशन होगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये स्पेयर के साथ एनिमेशन होगा, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। इसका रीज़न है क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पे हम यहाँ पर स्पेयर सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये स्पेयर के साथ जो है मैनुअल एनिमेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि आप देख सकते हैं ब्लैक वाला भाग जो है आपको अभी भी शो हो रहा है, तो इसको हम हाइड करना चाहते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में यहाँ पर देख सकते हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, और यहाँ पर ऑप्शन है अल्फा प्लांट, तो जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे वो गायब हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से एनिमेशन हो रहा है। ओके, उसके बाद आप यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं, इसको कलर करना है तो फिर से हम यहाँ पर लेंगे मिक्स शेडर। ओके, मिक्स शेडर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर इमिशन कलर हमें देना है तो हम यहाँ पर लेंगे इमिशन। ओके, इमिशन को जो है हम जो है शेडर के साथ कनेक्ट करेंगे। ओके, और अगर हम इसमें अच्छा लुक देने के लिए हम यहाँ पर कर सकते हैं मैथ नोड। ओके, हम यहाँ पर मैथ नोड यूज़ कर सकते हैं और इस मैथ को जो है स्ट्रेंथ के साथ कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई। ओके, और इसका जो हम कलर है यहाँ पर कर देते हैं, आप अपने अनुसार कर सकते हैं, मैं यहाँ पर 100 कर देता हूँ। ओके, उसके बाद आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कलर रैम, कलर रैम यूज़ कर सकते हैं, और सॉरी कंबाइंड कलर आ गया है कलर रैम, तो यहाँ पर देख सकते हैं कलर रैम। तो इस कलर रैम को हम इस जगह पे रखते हैं और हम जो है फेक के साथ फेक को कनेक्ट करेंगे, कलर को फेक के साथ, और यहाँ यूज़ करेंगे लेयर वेट। ओके, लेयर वेट यूज़ करने से क्या होता है कि जो ग्लो है वो बहुत अच्छा लगने लगता है, अभी जैसे आपको पता चलेगा। अब ये वाइट वाइट जो दिख रहा है आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी यहाँ पर वाइट है, तो हम इसको जो है ब्लैक कर देंगे, थोड़ा सा मेटालिक करेंगे यहाँ पर। ओके, और रफनेस को यहाँ पर डाउन कर देते हैं प्रिंसिपल BST अपने। ओके, अब ये रहा, लेकिन अभी हम इसका जो कलर रैम है इसको हम यहाँ से थोड़ा सा ये कर देते हैं, और अभी हमने जो इसके जो इफ़ेक्ट है हमने ऑन नहीं किए, तो इफ़ेक्ट ऑन कर देते हैं, एम्बाइन बूम स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन, और यहाँ पर मोशन ब्लर को भी यहाँ पर ऑन कर देते हैं। अब ये जो कलर है बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम जो है इसको जो पीछे का बैकग्राउंड है इसको कर देते हैं ब्लैक। तो यहाँ से आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पर दे देता हूँ ब्लू। ओके, और अभी आप देख सकते हैं कि इसमें अभी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो स्पेयर है इसका कलर भी हमें चेंज करना है, जिस जैसे स्पेयर यहाँ पर जाएगा मैं इसमें से एनिमेशन होगा। अगर आप इसमें पार्टिकल्स लगाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप यहाँ पर पार्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप स्पेयर को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, स्पेयर को सेलेक्ट करने के बाद जो है अभी आप देख सकते हैं एग्जांपल ये स्पेयर है। ओके, तो हम स्पेयर पे पार्टिकल लगाना चाहें तो हम यहाँ पार्टिकल लगा सकते हैं, तो देख सकते हैं कि ये पार्टिकल इस तरह से चलता हुआ दिखेगा, लेकिन हम इसको रेंडमाइज करेंगे इसमें जो है थोड़ा सा, और इंड भी रखते हैं यहाँ पर 250, और इसका लाइफ टाइम यहाँ पर कर देते हैं 250 कर देते हैं, और यहाँ पर हम एक आइकोस्फीयर भी लेते हैं, इसको जी करके थोड़ा दूर कर देते हैं ताकि कैमरा में दूर ना आए। ओके, उसके बाद हम स्फीयर को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर हम लेंगे आइकोस्फीयर। ओके, आइकोस्फीयर, अब फिर से हम स्फीयर को सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा सेटिंग करते हैं इसका वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी है रेंडमाइज में यहाँ कर देते हैं 1, आप अपने अनुसार यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए इस तरह से बताया हूँ। अभी स्फीयर है इसका भी कलर आप यहाँ इमिशन कलर कर दीजिए, यहाँ पर राइट हैंड साइड में जाके इमिशन, और इमिशन आप यहाँ पर ब्लू दे दीजिए, आप यहाँ पर 10 कर देते हैं। ओके,
ओके, आप यहाँ पर इसको आप थोड़ा स्मॉल भी यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, और आप देख सकते हैं ये इस तरह से दिखेगा। और जो आइक स्पेयर है इसको भी आप यहाँ से इमिशन कर दीजिए, इमिशन। और यहाँ पर इसका कलर भी आप जो है यहाँ पर ये कलर दे दीजिए। और यहाँ पर आप कर सकते हैं 10। ओके, और फाइनली हम इसको देखते हैं ये किस तरह से दिखेगा। अभी इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। और अभी जो हम स्पेयर है उसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने पार्टिकल अप्लाई किया था। ओके, और इसका जो ग्रेविटी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, फील्ड वेट, और यहाँ ग्रेविटी कम कर देंगे तो अब फाइनली इसका एनिमेशन आप देख सकते हैं ये इस तरह से दिखेगा। अगर आप चाहें तो जो पार्टिकल्स है उसको आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसका पार्टिकल एग्जांपल आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं पार्टिकल को, या फिर बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। तो देख सकते हैं ये इस तरह से आप क्रिसमस लाइट एनिमेशन कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ओके, और अगर आप चाहें तो इसके कलर भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ओके, कलर चेंज करने के लिए आप सिंपल सा इसमें जाएंगे और यहाँ पर आप कोई भी कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं। ओके, अलग अलग तरीके से यहाँ पर एनिमेशन कर सकते हैं बहुत आसानी से। ओके गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।